should have so once again hai subah pe ye love se chada hai once again ho jashn ye sabse bada hai once again Hello, good evening to all of you. Rizwan Hader Mohsen Ali welcome you in this video. So, Pakistan make 282 runs for the loss of 7 wickets after 50 overs of full quota of overs. So, ठीक रही है, बहुत बेहतरीन innings रही है और खास में जो last की partnership है उसने तो momentum बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा shift कर दिया. मैं जिस partnership की बात कर रहा हूँ जाहिर है वो इफ्तिखार और शादाब के बीच में जो partnership आई है बहुत अच्छी बहुत अच्छी और तेज पार्टनरशिप आई है. उस स्टेज पे यही चाहिए था कि आप हर ओवर में 12 13 14 10 12 इससे नीचे आप रन ना करें. आखिरी ओवर में नवीन ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और 3 रन दिए, उन दोनों को आउट भी कर गया और उसने कम से कम 8 10 रन उस ओवर में बचाए हैं. लेकिन उससे पहले पिछले वाले 4-5 ओवर्स में यही आ रहे थे 12 14 15 12 14. तो वो जो 5-6 ओवर वो बीच वाले गए हैं लास्ट वाले आखिरी को छोड़ के उसने मोमेंटम जो है वो पूरा ही पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया. 250 तक कप्तान, ये उनके कप्तान के अल्फाज है अफगानिस्तान वाले के, टॉस पे बोला है कि जी 250 तक हम कंफर्टेबल है चेस करने के लिए. जाहिर है क्रिकेट का खेल है, यू नेवर नो, लेकिन टोटल तो मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ने अब उतना बना दिया है कि मैच अब इनको आराम से जीत लेना चाहिए. और आज देखें राशिद खान को विकेट नहीं दिया और ये बड़ा कैलकुलेटेड खेले हैं, वरना जहां पे 3 विकेटें गिरी थी ऊपर नीचे, जब 3 विकेटें गिर गई थी 100 के अच्छी पार्टनरशिप लगी है और वहां से कोलैप्स भी हो सकता था. बड़ा अच्छा बाबर आजम बहुत बेहतरीन खेला. वी आर वेरी क्रिटिकल इन दिस टूर्नामेंट सो फार, अच्छा नहीं खेल के गया, लेकिन आज की इनिंग्स चेन्नई की पिच में अगेंस्ट राशिद, नबी, नूर एंड इवन मुजीब तो बहुत अच्छी बारी खेली है उसने. स्ट्राइक रेट भी ठीक है, 80 का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में, यू विल टेक इट. देखें जब अब्दुल्ला शफीक और इमाम खेल रहे हैं गेंद नया होता है, अच्छा बल्ले पे आता है, तेज रन्स बनते हैं. 50 बन गए थे पाकिस्तान के 8वें ओवर में, अभी 8वें ओवर भी पूरा नहीं हुआ था 50 बन गए थे. बट वी न्यू कि जैसे ही गेंद थोड़ा पुराना होगा और स्पिनर्स आएंगे जो स्कोरिंग रन रेट है वो स्लो हो जाएगा. तो यही था कि पाकिस्तान एंड तक लेके जाए, विकेट्स इन हैंड रखे और आखिरी 8-10 ओवरों में अटैक करने की कोशिश करें. तो आप देख लीजिए 41वें 42वें ओवर में जाके 200 हुआ है और उसके बाद फिर आगे वाले जो रन है वो तेज आए हैं. तो दिस वाज द वे फॉरवर्ड. बहुत अच्छी इनिंग खेला है बाबर भी, अब्दुल्ला शफीक ही इज एक्सीलेंट और सो फार पाकिस्तान के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है. अर्षा बोगले क्या, इरफान पठान क्या, बाकी क्या, ट्विटर पर मैं पढ़ रहा था उनके, तो बहुत बेहतरीन वो भी खेल के गया और इनिंग्स को आगे लेके गया. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उसके हिस्से का वो ऐसा लगता है कि इमाम के हिस्से का भी प्रोटीन ये खा जाता है तो उसको प्रोटीन नहीं मिलता. तो ये रन्स कर रहा है, ये अच्छे रन्स कर रहा है, इनिंग्स को भी आगे लेके जा रहा है तो उसको भी बातों से निकल के आगे आना पड़िए चाहिए. नूर वॉज गुड और आज इन्होंने स्पिनर्स खिलाए हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि 12 ओवरों में 100 से ज्यादा रन दिए हैं उनके जो मीडियम पेसर फास्ट बॉलर जो दो खिलाए हैं. तो स्पिनर्स दे डिड गुड जॉब बट अल्टीमेटली 100 रन जो है 12 ओवरों में बहुत ज्यादा होते हैं. जी मोहसिन अली साहब, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हाफ वे स्टेज पे बाय पाकिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. रिजवान हैदर साहब 270 से 12 रन ऊपर है, बहुत अच्छा खेले विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. अब्दुल्ला ने आज वो जिंक्स भी तोड़ दिया कि पावर प्ले में हम छक्के नहीं मारते, उसने कहा ठहर जाओ फिर छक्के पे छक्का और अच्छा खेला है. लेकिन मुझे ये बताइए इमामुल हक जो है, मैंने आपको पिछले मैच में कहा था ये 50 हो गया ना, अब आप देखना ये कितने मैच स्ट्रेट विकेट सीधी विकेट थी, कोई सूरत ही नहीं. देखें ये माजरत के साथ जो कह रहा था ना ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच से भी ज्यादा खतरनाक होगा फलाना होगा, वो तो हमें नजर नहीं आया. यस उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आप बॉक डाउन हुए हैं. अब देखें बीच के ओवरों में ये पाकिस्तान का आज से नहीं शुरू से प्रॉब्लम है कि आप मिडल ओवर्स में जाके बिल्कुल ही फुस कर जाते हैं. सऊद शकील की इतनी इतनी तारीफें हम कर रहे हैं लेकिन माजरत के साथ ही इज नॉट लुकिंग मोर देन एवरेज. देखिए ये 20-25 20-25 ये तो स्टार्ट जिसको मिल जाए. अगर आप मिडल ऑर्डर में, पांचवा नंबर आपको पता ही है किसका होता है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में पांचवा नंबर हमेशा फिनिशर के पास आता है. पांचवा नंबर आपने कभी नहीं सुना आया और चला गया,
वो आता है इनिंग्स को लंबा खींचता है एंड तक लेके जाता है। आज की बारी बाबर के गिर्द घूमी, कमाल की घूमी, ऊपर से ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक का बात ना करना वो तो ज्यादती होगी। अब्दुल्ला शफीक अच्छा, हालांकि शुरू में बहुत स्लो खेल रहे थे, फिर इन्होंने बैंटी लगानी शुरू की, स्पेशली अब्दुल्ला ने निकल के भी मार रहा है, अच्छे छक्के मार रहा है। मुजीब को आपने आज विकेट रेस रखा है और 8 ओवर, राशिद को भी, दोनों को नीचे पे बाद में जाऊंगा, ऊपर अटैक बॉल करता है ना, दोनों को आपने, जो दो बड़े बॉलर है ठीक है, नबी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये स्ट्रेटजी का हो सकता है हिस्सा, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की ये स्ट्रेटजी। हमने ने विकेट देखो, नूर ने 3 आउट किए हैं, 49 रन दिए हैं, लेकिन आप 282 चेन्नई की विकेट जो लोग कह रहे थे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जबा हो जाएंगे, अफगानिस्तान बॉलिंग टांगे काम जाएंगी, टांगे उठ जाएंगी, मर गए हैं, लुट गए हैं, क्या करेंगे, दंडियां निकाल रहे थे। 270 का मैंने ट्वीट किया, लोग मजाक उड़ा रहे कि जी दो है भाई 270 रन। देखें आज आप ये माने, शादाब वाली जो मूव है कई लोगों को पसंद नहीं आई होगी मुझे पता है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ बड़ा अच्छा किया, क्योंकि चाचा स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और वो उसने आज प्रूव किया, 4 छक्के किसी को नहीं छोड़ा, बेहतरीन बारी ली है। आज पाकिस्तान की टीम, हालांकि आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स के अंदर मसाइल हैं, लेकिन वो गलाजत का ढेर शुरू में ही आउट हो गया, जो मुंह से वारिंग करता है, मुंह से बातें करता है। देखो आप ओपनर है या वन डाउन है, आपका काम है इनिंग लंबी खींचना, आपका काम यह नहीं है कि एक आध चौका छक्का लगाया और चले गए। अगर हम रोहित शर्मा की मिसाल ले रहे हैं, वो 78 में जाता है, एक ने तो मारना है ना, ये तो नहीं हो सकता दोनों ओपनर ठुक 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 करेंगे, अगला सारा प्रेशर हटाता है आउट हो गया। अब इन दो में क्या रोल है इमामुल हक का, भाई ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है कि कितनी बॉलें कंज्यूम की, ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, ना उसको गेम अवेयरनेस है, ऐसा बोंगा हम अय्यर 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 करते हैं, शॉर्ट पिच पे फंसता है, तो ये इमाम किस तरह आउट होता है आधे पिच पे टपता। सर जी गए अब और 120-25-28 वाले को भी अगर आप सही तरह नहीं मार सकेंगे आधी पिच, तुझे नहीं आता पुल छोड़ दे, छोड़ दे तो और खेल ले, लेकिन नहीं आता तो क्यों फिर ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, फिर इसको फिर बिठा दे। मोहम्मद सरवर जी कह रहे हैं वेरी कंपेटिटिव टोटल बाय पाकिस्तान, जी एब्सोल्युटली जी वेरी कंपेटिटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज हैप्पी विद 260 लग रहा था, ये कप्तान की मेहरबानी है आपके शायद साहब, टू मेनी इजी रन्स गिवन अवे बाय अफगानिस्तान बाय दोस सिंगल्स इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में मतलब बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स में आप कह रहे हैं जी सिंगल दिए हैं, बिगिनिंग में नहीं दिए हैं, एंड पे आए हैं स्कोर, बिगिनिंग में तो जरा थोड़े से ना बड़ा टाइट रखा आपने, मिडिल ओवर्स में अच्छा था, प्रेशर डला हुआ था, डॉट बॉल्स भी बीच बीच में आ रही थी, लुक एट नबी ही वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, 8-9 ओवर फेंके हुए थे, कोई 2-250 से रन, आखिरी ओवर में 61 रन आई है जिससे स्कोर भागा 5 में, हाँ तो काफी कंपेटिटिव काम किया हुआ था। अब मसला ये है कि आज आपने अपने एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर बिठाया हुआ है और आप गए हैं जरा अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में, उमर जई को रखा है आपने, उसको नहीं निकाला क्योंकि वो बैटिंग कर लेता है, वरना फारूकी और उमर जई में आपको पता है कि अच्छा बॉलर कौन है, और स्पिनर डाले, जैसे ही स्पिनर का मतलब आपके आखिरी ओवर खत्म हुए हैं, स्पिनर के ओवर खत्म हो गए हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुजीब के 8 ओवर आपने करवाए हैं, वो बीच में कैप्टन से वहां से जरा मिसकैलकुलेशन हुई है कि उसके बीच में ओवर 2 निकलवा देता और आपका फिर एंड पे जो है ना, चलो नवीन तो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो दूसरे को जो 5 ओवरों में 50 पड़ा है ना उमर जई को, वो जो 5 ओवरों में 50 पड़ा है वो आपको काफी कॉस्ट कर गया, वरना अगर ये ठीक है अब मुजीब हमें पता मार पड़ गई है उसे, लेकिन अच्छा बॉलर है, अब एंड के 4-5 ओवरों में आप देख रहे हो कि जी अब वहां पे तो उसको देना, तो फिर चाचा तो कहता जी आ जाओ जी, चाचा शदाब ना छोड़ते, तो ये फिर तो चाचा कहता जी आ जाओ जी, फिर सामने दरम मजा आया, शुक्रिया, तो इसको राशिद के ओवर बेशक की स्टेज में दे देता उसको, लेकिन मुजीब के पहले खत्म करवाने थे, वो नहीं करवा सका, मिसकैलकुलेशन हुई है उससे जो भी हुआ, तो फास्ट बॉलर के दोनों के मिल के 10 बनते थे यहाँ पे, जो आपके 40 ओवर पूरे स्पिन के होने चाहिए थे वो 38 हुए, 2 ओवर वो फिर फास्ट बॉलर ने करवाया और एंड पे 12-12, 15-15 रन जो है उन 2 ओवरों में आए, तो ये जरा सी मिसकैलकुलेशन हुई है। और देखिए बॉलिंग तो ठीक है, अफगानिस्तान की बैटिंग पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 या 3 बंदों पे टीमें डिपेंडेंट होती हैं वो इतना बड़ा टोटल मुश्किल है, सारा मैच गुलबदीन कैसा स्टार्ट देता है,
गुरबाज गुरबाज सॉरी तो गुरबाज बड़ा आपका ऊपर से उसका आप देखो कि बड़ा प्लेयर है वो कैसे वो है बीच में तो टोटल जो है ना वो टू बी वेरी ऑनेस्ट रीच से बाहर हो गया है बाकी आप कह रहे हैं जी इट्स स्टिल डूएबल तो ये वाली बात मुझे थोड़ा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता मुझे लगता है कि इट्स वेरी वेरी टफ और जो मैंने मतलब 60-40 पहले ही इन फेवर ऑफ पाकिस्तान दिया हुआ था लेकिन आप इस टोटल को देखते हुए वो आप बेशक उसको और बढ़ा दें 80 कर दें 90 कर दें तो पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजिशन में है और चेज करना आसान नहीं है और टोटल भी देखें 250 तक कहीं ना कहीं आप फिर भी होता है हिसाब लेकिन ये बहुत ऊपर निकल गया ना काम थोड़ा बाकी क्रिकेट है फनी गेम है यू नेवर नो लेकिन चांसेस जो है इनका मैच है आप गुरबाज में स्कोर तो बहुत ज्यादा है पिच बिल्कुल सीधी है अगर अभी आके टर्न लेना शुरू कर दे तो मैं कह नहीं सकता वरना ये वो पिच है जिसपे अफगानिस्तान वो नहीं है कि इस पे रैंक टर्नर है तो घस घस बॉल जो है चिनाई है तो टर्न होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा अभी तक तो नहीं हुआ अभी ऑब्वियसली हो सकता है हल्की फुल्की ड्यू कहीं लेटर पार्ट्स में आ जाए लेकिन गुरबाज अगर ऊपर से ना चला तो ये बड़ी मैसिव किस्म की डिफीट जो है ना वो अफगानिस्तान का इंतजार कर रही है दास गुरबाज वेल प्लेड पाकिस्तान शुड नाउ एम टू विन बाय एट लीस्ट 70-80 रन्स टू हैव देयर नेट रन रेट पुअर कैप्टनसी बाय अफगानिस्तान नॉट यूटिलाइज मुजीब्स ओवर्स ही शुड हैव बोल्ड इंस्टेड ऑफ उमर ज़ाया देन एंड पे नहीं भाई एंड पे भाईजान इफ्तिखार और शदाब थे एंड पे वो सही किया शादी ने एंड पे पिट जाता दो तीन छक्के खा जाता बिल्कुल सही कहा वो पहले करवाने थे जब ये फसफसा के खेल रहे थे किसी तरीके से हम स्पिनर्स के ओवर निकालने और लेटेस्ट स्टेज पे पहुंचे तो उस दिन देखे न्यूजीलैंड में यही काम किया इनके साथ 42वें ओवर ने उस दिन न्यूजीलैंड ने 200 किया था और फिर वो 288 पे पहुंचे थे इनके खिलाफ आई गेस 288 तो पाकिस्तान भी आज 42वें ओवर में 100 किया है 200 किया है और आगे वाले में जाके फिर 7-8 ओवरों में 68 रन आ गए ना एंड तो बस देख ले 8-0 लोडिंग जनरल खान साहब कह रहे हैं अल्लाह करे जी चांसेस तो बहुत ब्राइट है पाकिस्तान इजी विन 5 विन लोडिंग टोल्ड यू पाकिस्तान हैज बीन अनलकी दिस टूर्नामेंट नो यू कैन नो One can say stop from winning the world. No one can stop winning the world. No other team is even close to Pakistan. जी ठीक है जी रोहित वर्मा साहब आप हमारे में हवा भरते जाएं और ठीक है और हम खुश हैं आपकी बातों से लेकिन we know the reality. Where do we stand? And we stand somewhere in the middle. तो अब बस उधर से धक्का लगा के चौथे में एडजस्ट होने की कोशिश में है तो we know where we stand as a team. बाकी थैंक यू वेरी मच आपका सपोर्ट का इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखते हैं क्राउड ने भी बड़ा सपोर्ट किया कुछ है अफवानी वो बड़ा नाराज हुए हैं कि डिसअपॉइंटेड क्या 20,000 से ज्यादा लोग हैं और अच्छा बाबर के लिए तो कई लोग उसकी टी शर्ट भी पहन गया है बाबर के नाम की देखो जी बहुत एजुकेटेड और सपोर्टिव वहां पे क्राउड है और दोनों टीमों के लिए सपोर्ट कर रहा है ठीक अगर पाकिस्तान कोई अच्छा कर रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है अगर कोई अफगानिस्तान के प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बीच में उनको भी सपोर्ट मिल रहा है बिल्कुल सही है तो न्यूट्रल जो है वो ऐसे ही सपोर्ट रहना चाहिए और अच्छी है एजुकेटेड किस्म का चुनाव का वैसे भी क्राउड बड़ा मशहूर है कि दे आर वेरी एजुकेटेड वेरी बैलेंस सॉर्ट ऑफ पीपल और क्रिकेट को भी उसी तरह ही देखते हैं वो आपको याद ही होगा यहाँ पे टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान तो पूरे स्टेडियम ने तालियां बजाई थी फिर पाकिस्तान की टीम ने घूम के चक्कर काट के उनका थैंक यू भी बोला था सो दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल वैसे भी और क्रिकेट के लिहाज से भी मौसम वाज नॉट गिविंग चांस टू पाकिस्तान 55-45 इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान अनुराग के सब कह रहे हैं और ये आ गया दुबई से दुबई में ही है उधर से यहाँ कहाँ आ गया नहीं मतलब दुबई से आ गया ना मतलब मैसेज ले भाईजान 55-45 चांस नहीं होता 45 पे चांस नहीं होता नहीं होता है चांस मैंने कहा पूछ लूंगा 45 क्लोज होता है 45 ऐसा नहीं है कि कोई जैसे इन्होंने कल 90-10 कहा था उसको इंडिया के लिए वो नहीं है 55 पे फिर भी होता है 82 रन देखने के बाद देखे रियलिस्टिकली ये है कि गुरबाज कितना अच्छा खेलेगा ये है और कोई इसमें अनुराग के साहब अल्लाह ताला आपके अंदर की अनुरागी को बर्दाश्त का में बदल दे 282 बड़ा स्कोर है देखे इतना 55-45 इतना वो मार्जिन नहीं होता लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद मौसमी व्हाट ही सेड यस्टरडे कि पाकिस्तान रगड़ के रख देगा मैंने इनको बोला इवन लास्ट नाइट आई गेव वैसे मैं 60 दे रहा था इनकी बात सुनकर मैं कहा हां जी चलो मेरी तरफ से भी 65% ही है
वो मैं असल वो, में मुझे रात को रिपोर्ट फिर मैंने आपको बता भी दी थी किसने ऑफ द एयर सुबह पता नहीं, वो रिपोर्ट से थोड़ा सा वो हुआ तो, कि इनका कोई पता नहीं है, लेकिन आज बाबर ने इतनी को शानदार इनिंग खेल दी ना, ये 200 से जब आप ऊपर गए ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो गया। तो एक्चुअली आई वांटेड हिम टू से रिपीट द सेम थिंग व्हाट ही सेड लास्ट नाइट, और क्योंकि ये मामला उसी तरफ ही जा रहा है, रगड़ने वाली साइड पे मामला बताया ना, आई टोल्ड यू द रीजन हम जिस खेल से प्यार करते हैं उसको जो खेलने वाले हैं बहुत सॉफ्ट हमारे पाकिस्तान भी आए थे, इंडिया की टीम के कप्तान भी थे, अमेजिंग गाय, और रेस्ट इन पीस, हमारी दुआएं उनकी फैमिली के लिए उनको सबर मिले। तो थैंक यू वेरी मच शुभंकर दास जी आपके मैसेज करने का। तो जी मोहसिन अली साहब, आप व्हाट डू यू थिंक नाउ पाकिस्तान का कोई क्या आगे मैच में क्या होने जा रहा है? स्कोर देखे ना आप, स्कोर बोर्ड जो होता है उसका प्रेशर अपना होता है। हाँ जी, पिच जो जितनी भी अच्छी है लेकिन अभी स्पिन तो करेगी। हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि इस टाइम पे ये स्पिन ना करे, करेगी नहीं, नहीं स्पिन इतना अच्छा भी नहीं है, काफी सिस्टेंस मिली है उनके स्पिनर्स को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि और करेगी। मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो मिलेगी, स्पिन मिलेगी पाकिस्तान। देखिए ये मैच इस वक्त अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे ना, इस वक्त एट द मोमेंट 70-75% पाकिस्तान की जेब में, गुरबाज क्या करता है एक चीज जेहन में रखे, अफगानिस्तान का 150-170 का भी ओपनिंग का स्टार्ट मिलता है ना, दे आर लाइक पाकिस्तान, 200-225 पे लिपट जाते। अभी श्रीलंका में जी एक उन्होंने 225 ओपनिंग स्टैंड किया था हमारे खिलाफ, 225 या 227 का, 227 तो 300 पे पूरी टीम निपट गई, तो ये मसला रहता है, ये मसला है। वरना देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान को ये मैच जो शुभंकर दास साहब कह रहे थे ना 70-80 रन से जीतना चाहिए, तो इतने से तो जीतना चाहिए, बट अफगानिस्तान आई स्टिल से के आप उनको बिल्कुल ये नहीं कह 70, इवन अगर आप 75 भी दें तो आई डोंट माइंड दैट, लेकिन अगर आप कहें 80-85% पाकिस्तान जीत चुका है, पिच इज बिहेविंग गुड। ठीक है जी, अभिषेक कह रहे हैं रेजन मोहसिन भाई अब्दुल्ला शफीक का तो अभी अभी आया है, हर मैच में स्कोर कर रहा है, पहले तो इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था, अगर वो नहीं रहता तो मुश्किल था भाई जी। अभिषेक साहब ऐसे और भी बड़े टैलेंटेड लड़के हैं यहाँ पे, इमामुल हक जो है उसकी वजह से देखे टोटल उसके मैच ही, मतलब ये लिस्ट है कि 14-15 मैच हैं जिसमें से 4-5 वर्ल्ड कप के खेल चुका है, अंदाजा करें आप, मतलब वो करियर में ही 14-15 मैच खेला है लिस्ट है के, यानी 50 रोजा जो डोमेस्टिक के डाल डूल के, डोमेस्टिक के भी डाल डूल के टोटल 14-15 मैच हैं, उसमें से 4-5 ये वर्ल्ड कप के मैच हो गए, एक एशिया कप में खेला था, और भी लड़के हैं बीच में, ओसाम अय्यूब डोमेस्टिक में अभी 200 किया है, हुरैरा वगैरह, वो बच्चे बड़े टेक्निकली सॉलिड है, साउंड है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मौका देने की बात है, मौके नहीं ना देते, वही जैसे मुर्गी अपने अंडों को नीचे रखती है, ये बाबर आजम ने 2 साल यही किया है, वही बच्चे उन्हीं को नीचे रखा है, ऐसे ऐसे चांस ही नहीं दिया, इब्रार को चांस देता, किसी और को चांस देता, बैटिंग में चांस देता, पता चलता, इसी का फायदा था, इसे पता होता कि जी हमारी बैंक स्ट्रेंथ में ये लोग मौजूद हैं, तो अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया, इंजर्ड हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बस वो फिर समझदारी नहीं है ना, बाबर के अलावा देखे ना मैनेजमेंट भी तो उतनी कसूरवार है ना, बाबर ने तो वही 10-12 को रखा, मैनेजमेंट ने क्या दिया उसको? स्मिथ गांव जी 100-10-5-10 ओवर पिच लुक्स वेरी इजी फॉर बैटिंग, अच्छा आप बताएं आपने कौन से 10-15 ओवर 10-5-10 ओवर शुरू वाले देखे हैं या मिडल वाले देखे या एंड वाले देखे हैं, ये बताएं तो फिर मैं आपको बताऊं कि आपने क्या देखा। A bit slow, but players were hitting through the line. No issue. It's slightly above par score. Not great. अच्छा. नहीं 282 on this pitch is great total. It's great. भाईजन 200 रन जो थे ना, 200 रन ऑस्ट्रेलिया के, एक दफा 3 विकेटें गिरी थी तो हिल गया था इंडिया भी। नहीं नहीं भाई 282 great total है on this pitch. 282 आप हमेशा लेंगे इस पिच। आपने शुरू के ओवर तो नहीं देख लिए? शुरू के ओवर में 45 गेंदों पे 50 कर दिया पाकिस्तान ने, उसकी वजह है कि नया गेंद अच्छा बल्ले पे आता है, और अब्दुल्ला अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, नया गेंद अच्छा बल्ले पे आता है तो शुरू में रन्स तेज आते हैं, थोड़ा सा गेंद पुराना होता है, स्पिनर्स आते हैं, पिच में ग्रिप भी मौजूद है और टर्न भी है, स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस है, आप देखेंगे अभी मैच में, और ऐसा नहीं है कि आपने देखा नहीं है उनकी बारी में,
उनकी बारी में भी स्पिनर्स को मदद मिली है और ठीक मदद मिली। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फटा विकेट है तो उस पे रन्स हो गए। दे डिड ग्रेट एक्चुअली टू रीच 282। 260 पे भी मैं तो खुश था। आई थिंक इट्स इनफ फॉर इमाम। पाकिस्तान नीड्स साइम अयूब आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। और इस पिच पर तीन स्पिनर होना चाहिए थे, सलमान आगा इन प्लेस ऑफ हसन। सलमान आगा कह रहे हैं अभी फिट नहीं है पूरा, ये भी एक वजह है। अब ऐसे तीन होते तो अच्छा था। मैंने ये सुबह ये बोली है बात, तीन तो आपके पास है ना। इफ्तिखार इज अ वेरी गुड स्पिनर और बेटर देन आगा सलमान। और इफ ही यूजेस हिज माइंड ही कैन यूज अ साउथ शकील एज अ स्पिनर टू। बिल्कुल, वो भी लेफ्ट आर्म भी है और थोड़ा सा स्पिनर्स की कैटेगरी में जरा इजाफा हो जाएगा तो है तो सही ऑप्शन भी ले लेता है वो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल एग्जिस्टिंग गेम होगा, एक्साइटिंग गेम होगा जी, एक्साइटिंग गेम होगा। ठीक है जी, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमें मंजूर है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी मंजूर है सेमीफाइनल जी। हम पहुंच जाएं किसी बस आप पहुंचाएं, पहुंचाएं हमें आप। 282 अफगानिस्तान के बस का नहीं है, पेलो इनको और मेक श्योर नेट रन रेट इज गुड आफ्टर द गेम। हाँ, वो कोई शुभंकर दास साहब ने जो 70-80 रन कहे हैं तो मैं उनकी बात मेरे जरा दिल को लग रही है। देखें जी, बात सही है। अब पाकिस्तान को इस मैच में से मैच जीतना भी चाहिए और थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। जो नेट रन रेट खड्डे में गिरा हुआ है उसको थोड़ा बाहर निकालने की जरूरत है। आगे मैचेस जो हैं और बड़े टफ टफ मैचेस आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आज के मैच में अगर ये माइनस से प्लस में चले जाए तो यही इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत गंदे इस ग्राउंड पे पाकिस्तान की जो जीत होगी ना, और स्पेशली जो टॉप क्लास टॉप ऑफ द लाइन स्पिन बॉलिंग अटैक है अफगानिस्तान, इट विल हैव अ वेरी वेरी साइकोलॉजिकली ह्यूज इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान टीम्स फ्यूचर मैचेस, आई एम टेलिंग यू। देखिए, ऐसे लोग डरा रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान दो पहले वनडे इसमें खेला हुआ है, इसमें इंडिया के खिलाफ ही दोनों खेला है, दोनों ही जीता हुआ। एक तो मेरे ख्याल वो 194 वाला जिसमें सईद अनवर ने किया था, और दूसरा 2012 जब हमारी टीम गई थी। तो ठीक है, अगर उनकी स्पिन बॉलिंग है तो अच्छी बात है। वी रिस्पेक्ट अफगानिस्तान एज अ स्पिन बॉलिंग यूनिट, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ओवरऑल टीम का कंपैरिजन होता है ना स्पिन बॉलिंग का, स्पिन बॉलिंग से अगर एज है उनको तो फास्ट बॉलिंग भी बीच में आती है। बाकी उनके 38 ओवर्स में उन्होंने टोटल 170 दिया, फास्ट बॉलिंग ने 12 ओवरों में 100 दे दिया, तो वो हिसाब बराबर हो गया ना। कि अगर स्पिन ने अगर 175 दिया 40 ओवरों में, तो फास्ट बॉलिंग ने 10-12 ओवरों में जो 100 दे दिया है, तो दोनों चीजें मिला के होंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा जी स्पिन वाले रन ज्यादा कर ले फास्ट बॉलिंग वाले ज्यादा कर ले। तो एज अ टीम होता है, अगर उनको स्पिन डिपार्टमेंट में हम पे एज है तो हमारी फास्ट बॉलिंग उतना रिकवर करती है, करेगी। आज ये रिजवान की बात में दम है, हारिस रऊफ जो है उसके पास पेस है और सामने जो बैटिंग है वो उस क्वालिटी की नहीं है जो मानने वाली बात है। और दूसरी बात है कि तीसरा बैटिंग, एक बॉलिंग में भी स्पिन बॉलिंग कौन कैसा खेलता है कैसी करवाता है, और फास्ट बॉलिंग कैसी करता है कैसी, फिर बैटिंग का, तो बैटिंग का भी जाहिर है कि अगर कोई नहीं देगा पाकिस्तान को एडवांटेज ओवर अफगानिस्तान तो वो बददियानती से काम ले रहा है। मतलब ही इज नॉट ऑनेस्ट इन हिज एनालिसिस। इफ समवन इज नॉट गिविंग एडवांटेज टू पाकिस्तान बैटिंग ओवर अफगानिस्तान बैटिंग, तो बैटिंग में भी एज है हमें, फास्ट बॉलिंग में भी एज है उनको, उनको हम पे बहुत उनको स्पिन डिपार्टमेंट में एज है। और फील्डिंग भी उनकी आज तो ठीक रही है, वैसे उन्होंने अभी तक बेकार ही की हुई है इस टूर्नामेंट में। कैच परसेंटेज में सबसे बॉटम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी कहीं दरमियान में ही है, तो इतना अच्छा ये भी नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर है। तो देखें फील्डिंग बैटिंग फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पिन बॉलिंग में एडवांटेज है अफगानिस्तान को। बाकी मैंने आपको बताया फास्ट बॉलिंग में बैटिंग में इवन फील्डिंग में एडवांटेज पाकिस्तान। तो ऐसे लोग हैं जी अफगानिस्तान खा जाएगा अफगानिस्तान ये अच्छी टीम है अफगानिस्तान, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का जोड़ बनता नहीं है उस तरह जो कल रात को मैंने कहा था। शुभंकर दास कहने जना उमर जाई भाई जान 2 ओवर में 33 रन खाया आखिर में। आई थिंक बींग अ पावर प्ले स्पेशलिस्ट मुजीब के एंड में ट्राई करना था इंस्टेड ऑफ उमर जाई। Also, I think Iftikhar should have come before Shadab. नहीं जी, वो सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा। और couldn't understand that decision. Shadab अच्छा खेलता है स्पिनर्स के खिलाफ, Iftikhar कहीं ना कहीं फंस जाता है। Iftikhar स्पिनर्स की बजाय फास्ट बॉलर्स पे अच्छा खेलता है। राशिद खान को छक्का बड़ा लंबा मारा है Iftikhar ने,
लेकिन आप देखें कि वो बिल्कुल बिफोर दैट मोमेंट ही वॉज क्लूलेस, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी चाचा को। मुझे लगा कि अभी गया, कि अभी गया, कि अभी गया। मैं कह रहा था यार इस देवर निकल जाए, मेडन ही खेल जाए, आगे वो उमर जही आएगा, नवीन आएगा, तो चाचा दो तीन छक्के मार दे। को ऊपर भेजने की एक बहुत बड़ी और रीजन भी है स्पिन को, तो जो भी है उसकी रीजन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के है ये तीनों बंदे, ये जो है ना हसन चीमा और रियानु लाग दे नो शदाब वेरी वेरी वेल, ही प्ले स्पिन वेल, इस पे प्ले स्पिन वेल, ही लीड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड द बोथ जेंटलमैन आर फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। और वो जिस स्टेज पे आया ना आके बहुत अच्छी ने खेल के अच्छा खेला है, शुरू में उसने बॉलों को इधर उधर सिंगले विंगले ये वो किया भर मारा। देखो अब शादाब जिस तरह खेला पीछे दे न्यू के एक इफ्तिखार चचा है। रहता है, सही बात है, वो ऊपर आके जल्दी आउट हो जाए राशिद, मैं आपसे कहता हूँ राशिद आउट कर देता इफ्तिखार, बिल्कुल कर देता, एक ओवर और होता बेशक छक्का लगाता आउट कर देता, सही है। बाबर ने भी तो छक्का लगाया ना, इतना बड़ा आउट हो गया, बड़ी बात, छक्का लगाया लेकिन आउट हो गया, 88 मीटर का लगा दिया यार छक्का, बड़ी मारा छक्का, पूरा छक्का था, मैं खुश हुआ छक्का आया अगली अगर जल्दी गड़बड़ हो जाती तो फिर आप कहीं वही इंडिया वाला माहौल शुरू हो जाता। पाकिस्तान विन 100% सब्जेक्ट टू देयर फील्डिंग बाय द वे, राव फील्डिंग, राव श्रीवास्तव साहब थैंक यू वेरी मच जी, ये इमाम भाई के बिरयानी के पीस कौन गायब कर रहा है, मेरे ख्याल में उसका प्रोटीन वो अब्दुल्ला खा जाता है, इसलिए वो अब्दुल्ला अच्छा कर रहा है और अब्दुल्ला ही बेहतर कर रहा है। मोहसिन सर मैंने बोला था बाबर क्लास का है और 75 मारा जी उसने, भाईजन हमने आपकी बात रेड्डी साहब कब कहा कि नहीं है, तो इसी तरह परफॉर्म करे ना। हाँ तो फिर क्लास तो ये है कि आप परफॉर्म करें, हर चल 10 में से ज्यादा नहीं 6-7 में तो करे ना, परफॉर्म करे। अफगानिस्तान शुड कंसीडर सेंडिंग राशिद एज पिंच हिटर, इफ टू विकेट्स फेल अर्ली दे हैव नथिंग टू लूज, दे शुड इनोवेट और बी अग्रेसिव, कर सकते हैं लेकिन अगर नीचे जरूरत पड़े 40-50 रन करनी है 15-18-20 बालों में फिर देखो भाई सारा डिपेंड कर रहा है उनके ओपनर्स पे और उसमें से भी एक बंदा पिक जो गोरख, अगर वो मार नहीं सकता इंग्लैंड अपने, अगर वो इनको तेज रन कर जाता 60-70-80 वो जैसे इंग्लैंड वाली इनिंग खेली थी तो फिर कोई बात या है। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ वो जो 227 वाला ओपनिंग स्टैंड था, अगर उस तरह की इनिंग खेलता है फिर आप देखें राशिद को कहां भेजना है, वरना ये मैच पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की बैटिंग ने अपना काम पूरा कर दिया, नाउ इट इज अप टू द बॉलर्स और अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री आनी चाहिए, स्कोर कितना भी हो पर हर टीम्स के पास कोहली नहीं है जी, जीतपाल जी ये तो जी पता ही, कोहली तो फिर आप मानते नहीं थे पहले, आप मानते हैं कि कोहली नहीं है, कोहली नहीं है, कोहली नहीं है, इंडियन टीम को रेस्ट मिल गया सब घर चले गए जी, एक हफ्ते का रेस्ट है ना जी, रोहित और विराट एक ही गाड़ी में गए हैं। हां ठीक है जी, टोल यू शफीक इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान टीम, मतेश जी ठीक है जी, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा ही करे। If Gurbaz played good with the new ball, it can be a good chase. Plus, Afghanistan need to attack Hasan, Ali, Shadab, Usama. मतलब सब कोई करे ना, सबके नाम लिख दिए आपने। शाहीन को जोड़ अच्छा कह रहे जी, शाहीन और रऊफ को रिस्पेक्ट करें सत्या साहब। मैं वही कह रहा था शाहीन और रऊफ। ठीक है जी, किसी को रिस्पेक्ट। मोहसिन रिजवान भाई लव यू फ्रॉम यूएसए। हरचिंदर सिंह साहब थैंक यू वेरी मच जी, हरचिंदर सिंह साहब। I watched first 10 overs. तो first 10 में आपका कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, first 10 overs में बड़ा अच्छा गेंद आ रहा था, बॉल पूरा आ रहा था बैट में, उनके भी पहले 10 ओवरों में तेज रन ही बने गए, अगर बने तो बीच में देखना वो फंसेंगे, तो बीच में जैसे थोड़ा सा गेंद पुराना होता है स्पिनर्स आते हैं रन रेट बिल्कुल रुक जाता है। द हिटिंग वॉज वेरी इजी कंसिस्टेंट बाउंस, आई फील पार स्कोर इज 260, सो 280 प्लस इज अ विनिंग स्कोर बट बेस्ड ऑन द पिच जी, अच्छा टोटल है, पिच को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ 250 भी बहुत बेहतर था लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया, 150 बे बुक अफगानिस्तान, मोहसिन भाई 100 प्लस की विक्ट्री लोडिंग, वाह 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 जीतपाल जी, जीतपाल साहब 80-90 की लीड मिले तो और क्या चाहिए, ये तो फिर क्रशिंग ही डिफीट होगी। नहीं देखें उस दिन 288 किया था उसने न्यूजीलैंड, दे कुड मेक 139 समथिंग लाइक दिस,
मतलब वो कोई 150 से वो जीत गए थे, 149 से एग्जैक्ट। लेकिन खैर वो उनका मैच था, ये हमारा मैच है, हमने अपना देखना है। तो अगर ये 180 90 200 तक भी रोकते हैं तो आई वुड बी प्लीज्ड विद देयर परफॉर्मेंस। रिवान बैरल ओपनर इनका स्पेशली रोहित गुप्ता कह रहे हैं रिजवान इज प्लेइंग टू मच स्वीप शुड, तभी तो आज भी आउट हुआ है। देखो उसको ना समझ नहीं आ रही थी नूर की, उसको समझ नहीं आ रही थी उसकी। पहले उसने मुजीब को दिया एक अच्छा सा स्लॉग स्वीप पे छक्का दे दिया, लेकिन अब गेंद ऑफ साइड की इतना बाहर है भाई, तू ऑफ साइड पे कोई सिंगल ले ले, वो ऐसे घसीट के लेके जा रहा है उधर से उधर, वो टॉप एज लगा जी कैच हो गया। तो अजीब सी वो शॉट था, बहुत ही बेहुदा शॉट था, बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं था। विश्वजीत जी का मैसेज है, थैंक यू जी। तो ही शुड हैव डन बेटर। तो पाकिस्तान ने जी बहुत बेहतर काम किया है बैटिंग में, और कई लोग अगर कहते हैं कि जी थोड़ा खेल गया स्लो खेल गया, वो बीच में बाबर नहीं स्लो नहीं, वो ठीक खेल गया। हर 10 गेंदों पे 8 आप दे दें हम ले लेंगे जी, इस तरह की पिच पे मिडल ओवर्स में जब गेंद भी फंस के आ रहा है, जब साथ साथ आउट भी हो रहे हैं दूसरे, तो ठीक है। 80 का स्ट्राइक रेट नॉट बैड, नॉट बैड, और बहुत बेहतर खेल के गया वो। उसकी इनिंग्स की बदौलत ही पाकिस्तान जब 200 पार किया है तो फिर जाके उस पोजीशन पे आके हिटिंग करे भाई। 56 पे वो आया, 200 प्लस तक वो खड़ा रहा, अब और क्या करे। नहीं वो ठीक करके गया, पिच इज नॉट इजी बट नॉट दैट टफ लाइक द इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। इट्स लाइक 20-25 रन्स बेटर काइंड ऑफ पिच देन दैट वन। चले उससे बेहतर है यार, ऑस्ट्रेलिया वाली पिच जो है वो शुरू में इंडिया जो है वो बल किया था, बाद में तो इंडिया वाज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विल साइलेंटली क्वालिफाई, अदर टीम्स लाइक इंग्लैंड आर डूइंग मच वर्स। जी ये बात तो आपकी। अच्छा उन्होंने कर्स को ले लिया उसकी जगह, टॉप प्ले की जगह ना, आईसीसी ने रिकमेंड किया। हां वो आ गया जी, उनका चेंज हो गया, उन्होंने अपना बंदा चेंज कर लिया है। तो राज साहब यहाँ हसन अली विक्टिम ले सकता है वैसे आपस की बात। तो देखते हैं जी आपके, आई होप के बात पूरी हो जाए, साइलेंटली ये जाके कर करा के क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन खैर मैच टू मैच ही हम जाएंगे, अभी अगला मैच भी, ये आज का मैच भी अभी हाथ में ही है, और अगला मैच जो है वो भी अब उससे है, तो वो भी इतना आसान नहीं है। तो शहीन शाह साहब अफरीदी ने 2 चौके पहले ओवर में खाए हैं, 10 रन खाए थे, तो चलो अभी देखते हैं। हसन ने 3 बॉले अच्छी डॉट्स की हैं। रिजवान विकेट्स इज लाइक का रीप्ले ऑलवेज सेम जी, उधर ही जेश कभी कभी बोल्ड भी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है जी बोल्ड, वरना ज्यादातर वही होता है जो आप फरमा रहे हैं। ये बात सही है आपकी। तो शुरू शुरू में तेजी रन आएंगे, नो इट इट इज अप टू पाकिस्तान बॉलर्स। गुरबाज का विकेट नहीं और दूसरे ओपनर का, ये दोनों अच्छे हैं, दोनों का विकेट मिल जाए तो फिर ये बिल्कुल ही डिफेंस में चले जाते हैं। चौका आया उस दिन कोई 6 ओवरों में कोई 28 था या 27 था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो 2 आउट हो गए, तो 10 ओवरों में 29 पे पहुंचे थे 28 पे, मतलब 2-3 ओवरों में 4 ओवरों में। अच्छा इब्राहिम खेलता रहे और उसे गुरबाज को स्ट्राइक से दूर। मौसम सर रिजवान सर बाय द वे पाकिस्तान मैच हार जाती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा भाई? अगर इतना भी नहीं चेंज होगा तो फिर 282 करके भी हार जाती है तो फिर शर्म से डूब मरे। इतना भी डिफेंड नहीं होगा तो फिर आपको पता ही होना चाहिए कि फिर क्या होगा। बैक टू बैक बाउंड्रीज विश्वजीत जी, इतना टोटल करके भी अगर नहीं इनसे होना डिफेंड, हियर बॉल विल स्विंग इन द फर्स्ट 8 ओवर्स अंडर लाइट विद सम ह्यूमिडिटी, शाइन मस्ट टेक एटलीस्ट 1-2 विकेट्स इन फर्स्ट स्पेल, बट Pakistan should take at least 2-3 wickets in the power play. 2-3 नहीं बट 2 ही आ जाएं। बजनार का मोमेंट तो वो 2 चौके ऊपर नीचे मार गया। कोई नहीं कोई नहीं। इब्राहिम रिजवान भाई एंड मोसेस सर रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान विल विन बाय 80 रन्स। थैंक यू वेरी मच जी हरप्रीत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। 8 रन का ओवर आया, बस 2 चौके खाए हैं, चौथी और पांचवी, पहले 3 डॉट्स फिर आखिरी डॉट। कोई नहीं कोई नहीं, खैर खैर रन्स अच्छे डाल दिए, अब जरा थोड़ा सा दे हैव सम भाई जन, ये शुरू में इसी तरह रन डालते हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने अच्छे रन डाल दिए। हाँ पाकिस्तान के रन अच्छे हैं।
ये मैच पाकिस्तान को बिल्कुल शुभंकर दास साहब के साथ जाऊंगा, कम से कम 70-80 रन से जीतना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है ओपनिंग फारिग करनी चाहिए। ओपनिंग ना फारिग की तो बड़ा मसला आ जाएगा। ये बहुत अच्छे है गुरबाज स्पेशली। इज गुड, वही तेज खेलता है ना, और ये अच्छा है अगर ये इब्राहिम ज्यादा बॉलें कंज्यूम करे ना और उसको अवे रखे स्ट्राइक से, तो इट्स गुड फॉर अस, इट्स वेरी गुड फॉर अस। उसे जितना स्ट्राइक से अवे रखे वो तंग हो जाएगा। हाँ जी, तो लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी आप कर आप ही ने करना है। हाँ, वो भी आप कर दीजिए प्लीज। निहार अतल सिंह, भाई बाबर डिजर्व्ड 100 टुडे। आई कुड हैव बीन अ ट्रीट टू वॉच। आई सी पाकिस्तान विनिंग इजीली टुडे जस्ट टू गेट गुरबाज इब्राहिम और रहमत। निहाल अतल जी, अच्छा होता अगर 100 कर जाता, बट अब नहीं आया तो फिर नहीं, लेकिन जितना उसने कर दिया 78 रन यार, वो भी माड़े तो नहीं है, अच्छे करके गया है 74 रन जो है बीच में मिडल ओवर्स में, इट वॉज नॉट ईजी, तो अच्छे रन वो करके गया। थोड़ा और रुक जाता तो बेहतर था, और भी थोड़ा आगे निकल जाता इनिंग्स को लेकर, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। शुभंकर दास कह रहे हैं कि सिंस टॉपली इज आल्सो आउट, आई फियर दिस माइट बी द वर्स्ट एवर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। माइकल वॉन माइट गो इनटू कोमा। ये तो आप नहीं पता कि वो किधर जाएगा, क्या करेगा, लेकिन ये है कि अभी तक बहुत ही वर्स्ट गया। बड़े मजाक उड़ा रहा था ना पाकिस्तान का वो और नासिर हुसैन, आप उड़ाए मजाक। अच्छा ओवर कर रहे अफरीदी, दो रन दिए बस अभी तक। मिटनीक, आपका नाम मिटनीक है जी, आपका नाम थोड़ा यूनिक है सर। आप मेरा मैसेज पढ़ते हैं, नाम नहीं पढ़ा। मेरा आईडी का नाम डिफिकल्ट है, पर मेरा नाम मितेश है, प्लीज नाम ले लीजिए मितेश सर। लव फ्रॉम इंड, थैंक यू जी, थैंक यू मितेश जी, आपने वाकई कोई यूनिक सा नाम ही रखा है। काफी लोग कह रहे हैं जी चेज कर जाएगा, अच्छा जी ठीक है जी, ठीक है। बड़ा स्कोर है यार, बड़ा स्कोर है, हौसला करें भी। ठीक है जी, करा दो फिर चेज जी, कर जाएगा तो फिर क्या कह सकते हो, अच्छा खेलेगा तो कर जाएगा। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, तो फिर यू गाइस बस जी। राफेल जी, अब क्या आपके मैसेज क्या पढ़े, बस आपको अच्छे हम लगते हैं तो आप, ये आपकी मोहब्बत है, जाहिर है कि गालियां वालियां तो नहीं निकालते। बड़े अरसे बाद राफेल साहब तशरीफ लाए, वेरी लॉन्ग टाइम। आज तो मेरा ख्याल है बाबर आजम को बहुत ही ज्यादा किसी की तबीयत खराब हो तो कुछ कहेगा, आज बाबर को कुछ कह नहीं सकते वैसे, मेरा जाती ये ख्याल है। 22 रन है जी, ठीक है ठीक है, 3 ओवरों में अच्छा कम बैक है, पहले ओवर में 10 खा गए। हाँ ठीक है,
रिजवान बाकी बहुत अजीब सी इसने शॉट खेला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो शॉट देख के, अजीब सा ऑफ साइड की इतना बाहर गेंद है, तू ऑफ साइड पे कोई मार दे। लेकिन चचा के जो एंड पे 40 रन तेज आए ना, वो बड़े अच्छे और क्रूशल रन आए हैं। भाईजान ये तो जादरान के अंदर गुरबाज की रूह आ गई है, शुभंकर दास जी नहीं ठीक है, अच्छा हुआ यार अभी दो तीन चौके मारे हैं। दो तीन चौकों में भी दो चौके तो हसन अली साहब ने अपनी मेहरबानी से खा ली है, अभी कहां से रूह आ गई है भाईजान, अभी इतना टेंशन वाली बात नहीं है, अभी विकेटें आएंगी सब ठीक हो जाएगा। ये मिडिल ओवर में देखना बल्ला फसफसा के काम होगा, ये गेंद नया शुरू में, और हमने भी 45 गेंदों में 50 किया था। मेरा ख्याल है ये भी अच्छा तगड़ा तेज बॉल करेगा हारिस रऊफ, हा हु आज आपको शायद नजर आए। ठीक है वाइड वाइड कह रहा हूँ, मतलब ठीक है 25 रन। हाँ थोड़ा सा ऊपर से निकला है फील्डर के, ठीक है 3 रन आए हैं लेकिन कोई बहुत अब पहली बॉल तो नहीं हुआ था कुछ, दूसरी पर तिक्की आ गई। इसको थोड़ा लाइन अपनी सीधी करनी पड़ेगी इसकी, विकेट लेनी चाहिए यहाँ पे गुरबाज की, मजा आ जाए। लाइन में टेढ़ी हुई हुई है थोड़ी सी, शाबाश सीने लगा रहा, शाबाश बड़ा ये अच्छा है, जितना आप गुरबाज को स्ट्राइक से दूर रखेंगे वो फ्रस्ट्रेट होगा, इट्स अ गुड टैक्टिक। नसीम का और इसका अच्छा पेचा पड़ता था, अब वो बेचारा इंजर्ड हो गया है। वो तो इसको घुमाते रहे बीट पे बीट, बीट पे बीट, पेस पे। हरजिंदर सिंह कहेंगे मोहसिन अली रिजवान भाई अफगानिस्तान 150 ते ऑल आउट हो जाएगा। आवाज सिंह साहब तुझे छा गए हो मेरा वीर। हरजिंदर सिंह जी अच्छा किया, फास्ट बॉलर्स विल नॉट डू मच, लेट्स सी हाउ द पाकिस्तान स्पिन विल डू। ईशान साहब है, थैंक यू जी ईशान जी, होपफुली दे विल डू वेल, बहुत से उम्मीद है मुझे आरएस रऊफ से, वो जरा कुछ अच्छा करेगा आज। हाँ हूँ ही विल डू वेल। उस दिन एक इंटरव्यू में आकिब जावेद कहता है तो इसमें आरएस का तो कोई कसूर नहीं है, हमने तो उसे तैयार ही 4 ओवरों के लिए किया हुआ है। भाड़ में जाए तो 10 ओवर खिला रहे हैं तो मना कर देना कि नहीं खेलना, मैंने 4 ओवरों में 26 है तो मना कर दे। दस फिर 8 और अगले 2 ओवरों में 8। आया वार्नर का कैच छोड़ने वाले, क्या हाल है? खैर खैर है, अब छूट गया जो होना था हो गया। शर्मा को ले आए, वैसे फील्डिंग कर रहा है ना। अच्छा मैं हैरान कैमरा पर शर्मा आ गया, आई वाज सरप्राइज के 2 ओवर सिर्फ शाएंगे। वो तो इसको भी याद है उसामा को के मैंने किया क्या था। हाँ वो तो याद ही है।
शाइन आज अच्छी पेस जनरेट कर रहा है 140s में। ठीक है ना, अच्छी बात, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बॉलिंग करो पेस से। तो अच्छा, पिछला जिस मैच में मतलब 370 बोर्ड पे लगे हुए हैं, अगर शाहिनशाह अफरीदी 54 पे 5 आउट कर रहा है तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या करता है, ये इसकी जिम्मेदारी है वैसे कि इन दोनों में से कोई एक की विकेट ये लेके दे सिंगल ले। अच्छा इसको इसको जितना आप क्वाइट रखे ना गुरबाज को उतना जबरदस्त है, ये खुद जल्दबाजी करेगा फिर। Chennai crowd is full of supporting spirit, educated and cricket loving crowd which supported good contest. True. Not like that toxic crowd of Ahmedabad. Pavel Prasher ji. सही कह रहे हैं जी के बोल नहीं देखे वो टॉक्सिक अहमदाबाद का कुछ पार्ट हो सकता है, सारा तो नहीं ना आप टॉक्सिक कह सकते हैं। ये बहुत हुआ, ये कुछ को हुआ टेंशन, इसीलिए वो समझ रहे थे ओवरवेलमिंग उनको सपोर्ट मिल जाएगी, तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट तो नहीं ना मिलती है एक टीम को, फिर वो होस्ट टीम तो नहीं कह रही। ये क्राउड वाकई बड़ा सेंसिबल है और वो इनको देख के वो जरा इंग्लैंड वाली फीलिंग आती है इंग्लैंड के क्राउड की। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको भी वो दाद देते हैं, कहते हैं वाह वाह वाह, अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट इंडिया तो सबने तालियां बजाई और फिर पाकिस्तान की टीम ने पूरे ग्राउंड का चक्कर भी काटा। तो दोनों टीमों को अगर कोई अच्छा चौका छक्का लगता था उसको भी सपोर्ट करते थे, कोई आउट होता था उसको भी अप्रिशिएट करते थे। सो दे वर गुड। नासिर एंड वॉन पाकिस्तान का मजाक उठा रहे थे कि सब दिखता है कि इंग्लैंड कहाँ इतना बुरा हाल है और इंडिया में आल्सो गोइंग टू लूज फॉर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड मे आल्सो गोइंग टू लूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया हरप्रीत सिंह सर। अच्छा देखिए, मजाक उसने नहीं उड़ाया, उसने कहा जी पाकिस्तान हार सकते हैं नैदरलैंड से, तो चलो उसकी जो भी असेसमेंट थी और कहा कि अच्छी टीमों से जीत भी सकता है, तो दिस इज वॉट एक्चुअली ही सेड। तो मैंने कभी उसको पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए सुना नहीं है नासिर हुसैन को, और आई फाइंड हिम सेंसिबल गाय, बट आई कांट से द सेम फॉर द अदर वन माइकल वॉन। वो जरा बीच बीच में थोड़ा अजीब सी बातें कर देता है। दो पे 18 था, 5 पे 28 है, 5 ओवर हो गए हैं। बहुत अच्छा ओवर किया, तो ठीक है, रन इतने नहीं आ रहे, सही है। 26 था तो 2 रन बने हैं इस ओवर, पहले ओवर में 10 खा के अगले 2 ओवरों में 6 रन दिए हैं इसने टोटल, माशाल्लाह ठीक है। बस ये गुरबाज को आप जितना खामोश रखेंगे ये विकेट दे देगा रिजवान साहब। हाँ उतना ही अच्छा, शुक्रिया विनय शर्मा साहब, आपने काफी चीजों पर रोशनी डाली। ठीक है, शाबाश।
गुरबाज को खामोश रखना बड़ा कमाल है। अफगानिस्तान ने रन्स किए हैं इंडिया के खिलाफ भी 272 और उसके खिलाफ भी इंग्लैंड के खिलाफ भी, बट दे डिड इट वाइल बैटिंग फर्स्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन टारगेट यू आर गोइंग टू चेज द टारगेट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो लेट्स सी। दुखी आई है तो बस ठीक है, ये ओवर आपके साथ देखते हैं, फिर आपसे मैच के बाद ही मिलेंगे। शाबाश, जहां सिंगल होती है वहां डबल करा दी। मुझे तो फिर पुरानी आदत है ना, ये फील्डर केड़ा सी शाइन ही होगा मेरा ख्याल है, इधर ज्यादा चांस होता है शाइन ही हो, वही है ना, देखा आपने। नहीं नहीं नहीं, मिकी आर्थर बहुत गुस्से में मौसम भाई कुछ याद कर दे। मैंने 80s में उनको यहाँ पाकिस्तान में, मुझे याद है अच्छी तरह, बहुत ही कमाल के, इतने जितने ऑन द फील्ड उतने ही जॉली इंसान थे ऑफ द फील्ड, बड़ा शुगर लगाए रखते थे, मुझे याद है। I was a good bowler. बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे आगे लेफ्ट आर्म, बहुत मजे का एक्शन था। तो तीन तीन ओवर ऑलमोस्ट होने वाले हैं दोनों के ऊपर से आउट। नहीं आउट, मैं कह रहा हूँ आपसे, इसने रिव्यू लिया लेकिन मुझे लग रहा है आउट, स्टेट अवे रिव्यू लिया, लग रहा है आउट है, स्टेट अवे रिव्यू लेकिन वो तो बैट्समैन होता तो कॉन्फिडेंट ही है, देखते हैं। और रिव्यू में नॉट आउट हो गया, नॉट आउट, बैट्समैन वाज कॉन्फिडेंट ऐसा लग रहा था। ये होना तो नहीं चाहिए आज वीडियो को जी, बैट्समैन वाज वेरी कॉन्फिडेंट। अंपायरिंग वैसे पूरे टूर्नामेंट में गंदी है, बहुत गंदी है, बेकार अंपायरिंग चल रही है पूरे टूर्नामेंट में। और वेल इट वाज अ क्लोज वन, बट जाहिर है कि नॉट आउट है, लगा नहीं है, तो अंपायरिंग ओवरऑल ही बेकार चल रही है। कल वो रचिन रविंद्रा को दो बार अंपायर ने आउट दिया, दो दफा बच गए, एक दफा उसके भी बल्ले से नहीं लगा था और दूसरी दफा ठप्पा ही लेग साइड के बाहर लगा हुआ था, दो दफा उसे भी आउट दिया। तो आज भी उन्होंने जो अब्दुल्ला शफी की विकेट लिया वो रिव्यू पर ली है, अंपायर डिडंट गिव इट आउट। चौका जी, 6 ओवरों में 34 है, ठीक है जी, आप भी देखें मैच, हम भी देखते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी मैच की दूसरी जानिब। सही है जी, लाइक एंड सब्सक्राइब, ख्याल रखिए अपना, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।